नमस्कार दर्शक बंधु, पल्स टुडे को आपन को स्वागत करुचे। पल्स टुडे रो आज रो शीर्षक आम रखीचु आक्रोश बनाम अहंकार। जनवरी 26 ए दिनटी जो भली भावे भारतवासी आशा करुथले देखिबा पाहि सेतिर गोटे व्यतिक्रम घटिला, कारण गणतंत्र दिवस हिसाब रे याको अभिहित करा जाय, गणतंत्र रो जयगान करा जाय, गणतंत्र गण मानंकु नहीं कि गणतंत्र समृद्ध। किंतु घटना हैला कौन एवं कहीं शीर्षक रखिलु जे आक्रोश आउ अहंकार जो लड़ई देखा मिलला राजधानी दिल्ली रे। इभली भाव रे गोटिए पटे तंत्र रो पैरेड लोक देखिले, अन्य पटे गण मानंकर रूप मध्य देखिले। अतएव गण एवं तंत्र रो स्वरूप पदाकु आसीगला। जो घटनाटी घटिला केही भी ताहाकु अंतत पक्के स्वागत करिवे नाही बा समर्थन करिवे नाही। चासी आंदोलन जो भली भावरे शांति श्रृंखलार सह चली थिला, धीरे धीरे तांका प्रति समर्थन मध्य बढ़ुतला, आउ बढ़िबार कारण भी जथेष्ट किछि रहिछि। चासी मानंक प्रति समर्थन बढ़िबार जथेष्ट गुडिए कारण रहिछि, किंतु जो घटनाटी घटिगला ताहाकु अंतत पक्के एक भल घटना बा जानुवारी 26 2021 मसीहार गोटे भल दिन बोली आदौ ग्रहण करा जाई पारिबो नाही। कारण जोथिपाई भारत विश्वरे प्रतिष्ठित से होची निजर गणतंत्र, निजर गणतांत्रिक व्यवस्था। किंतु ये व्यवस्थार गोटे नग्न चित्र सेदिन सामना को आसिला जे तंत्र रो पैरेड देशवासी देखुचंती गणतंत्र दिवस को उपभोग करुचंती, अन्यपटे गणमानंकर रूप मध्य किभली भाव प्रकटित होची ताकु भी देखुचंती। ये सबू देखिबा परे अंतत पक्षे लोक माने भाबिथिबे जे गणतंत्र दिवस रो पालन को नेकी जो उत्सुकता थाए लोकंक भितरे ताहा प्रतिपादित हला कि हला नाही। ताहले काहि कि मैथि पई कहिबे जे कृषि बिल को नेकी जो लंबा समय धरि के आंदोलन चलीछि एवं केवल पंजाब हरियाणा नुहे, अनेक राज्यर चासी माने शामिल हेछन्ति, लक्ष लक्ष चासी से आंदोलन ने शामिल हेछन्ति। आपन थरे भाबंतु जो माने आमर अन्नदाता, जो माने आमको वर्ष सारा खाद्य जोगौछंती, सेमानक 60-62 दिन पाखापाखी अर्थात 2 मास रु अधिक समय धरिकी सेमाने खरा वर्षा शीत काकर सही कि निजर दाबी पूरण पई बसिछंती। थरे नुहे कि अधे नुहे 11 थर आलोचना केन्द्र सरकार कलेनी, किंतु आलोचनार निष्कर्ष बाहरी पारु नाही। जदि आपण माने चासिंक जागा रे थांते ताले निजक थरे पचारंतु जे 62 दिन परे जो आंदोलन 62 दिन पर्यंत शांति श्रृंखलार सह चलिला काहिंकि से आक्रोशर रूप नेला, आउ आक्रोशर रूप नबा किछि बड़ कथा कि। ए घटनाक्रम को खाली चुंबक रे आपन को मन पकेबाकू चाहिबि जतबेळे आमे विश्लेषण करूछंती गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। 5 जून रे आसिला ऑर्डिनेंस नुआ फार्म बिल नेकी, 14 जून रे उग्रहन जे कि चासी नेता ताकू विरोध कले बा निजर असंतोष जाहिर कले, 30 जून ने विभिन्न किसान संगठन या कुने के विरोध कले, 14 सेप्टेम्बर रे ए विरोध सत्वे 14 सेप्टेम्बर रे बिल टी पार्लियामेंट आगत हला, 17 सेप्टेम्बर रे लोकसभा रे पास भी होगला, 20 सेप्टेम्बर रे राज्यसभा रे किछि दल राजनैतिक दल जतेबेले आकु विरोध करबा आरंभ कले सेतेबेले जोर जबरदस्त वाचनिक वोट रे मध्य पास करै दिया गला। फल कोन हला ना हरसिमरत कौर जे कि केन्द्रमंत्री थिले एवं एनडीएर सबुठु पुरुणा घटक दल बा अंशीदार अकाली दलर प्रतिनिधित्व करुथिले से निज पदरु इस्तफा दे देले, एवं तापरे घटना जहा हैला समस्तंकु जणा। 24 सेप्टेम्बर रु आरंभ हैला धीरे 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 चासी मानंक भितर असंतोष दाना बांधिला, एवं 24 सेप्टेम्बर रे पंजाब रे रेलरोक मध्य आरंभ हो गला। मुझे ये कहूँ हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश भली महा बड़ बड़ राज्य जो माने रहिले सेमाने भारत को विभिन्न खाद्य शस्य जोगौछंती एवं आमे तांका पई बंचीछु। अंतत पक्षे चिंता करिवार थिला ए बिल टी को जो भली भाव रे केन्द्र सरकार पारित कले उभय लोकसभा रे एवं राज्यसभा रे परवर्ती स्थिति जहा हैला एवं विभिन्न राज्य रे धीरे धीरे चासी मानंकर आंदोलन दाना बांधिबारे लागला, याकु देखिबा परे मध्य 27 सेप्टेम्बर रे राष्ट्रपतिंकर मोहर बाजिगला ए बिल उपरे। ये होची फार्म बिल बा जो जहाँ नहीं कि आज आलोचना बा विश्लेषण अंतत पक्षे मुताको आपन का आगे रखिबा को चाहिली, एवं
अठाईस सेप्टेम्बर ठारु अर्थात जेतेबेले राष्ट्रपति मोहर देदेले अठाईस सेप्टेम्बर ठारु आरंभ हो गला विरोध आउ विक्षोभ एवं चाषी माने हजार हजार संख्या रे दिल्ली आड़क आसवाक चेष्टा कले सेतेबेले कौन है चाषी माने जेतेबेले आसवाक चेष्टा कले बारंबार विभिन्न स्थान रे रोकिबार मध्य प्रयास करा गला दिल्ली को प्रवेश करै दिया गला नाही तांकु तांकर राज्य दाबी बा हक बाबद रे अंतत पक्षे सरकार के पाखे जो गुहारी करबाक आसीथिले ताकु मध्य करैबार कोनोसी प्रकार स्कोप टिए मिलिला नाही तेब अनुमान करंतु चाषी माने जेतेबेले चाष काम छाड़िकी चाली चाली लक्ष लक्ष चाषी एकाठी हेले माने पंजाब हरियाणा रु एवं परे परे उत्तर प्रदेश रु एवं अन्यान्य राज्य रु मध्य धीरे धीरे चाषी मानकर समावेश सेठी बढ़िबारे लागिला एवं दिने अधे नुहे दस दिन पंदर दिन नुहे मासे नुहे मु कहूची दुई मास रु अधिक समय धरी वर्षा काकर खाई एवं पुलिस प्रशासन लाठीमाड़ खाई मध्य जोर जबरदस्त भाव से आंदोलन चलैबाकू पड़िला आंदोलन चलीची मध्य ताहले इत्ते शांति श्रृंखलार सहित ये देशर चाषी जेतेबेले आंदोलन चलैले हठात से उग्र रूप काहीं धारण कले बा ये उग्र रूप धारण करिबा पछरे कौन कारण रही आप केवल समय टी देखु जे जून मासरु सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर पर्यंत शेष पर्यंत देखु एवं जानुरी एगार रे सुप्रीम कोर्ट सेठी हस्तक्षेप कले हस्तक्षेप कर गोटे कमिटी गठन कले पर्यंत एगार थर आलोचना है आलोचन कौन निष्कर्ष बाहरी पार्न के धैर्य रते धैर्य रखिए चाषीकूल अंत पक्षे जो मैंने जीवन तमाम तांकर विभिन्न भाव रे संघर्ष करी से माने शस्यटी उत्पादन करुचंती उत्पादन मूल्य पाऊ नाहंती उत्पादन को मार्केटिंग करी पारु नाहंती क्षति रे थिबा सत्वे मध्य सारा देश को जो माने दाना जोगौचंती से माने केते धैर्य रखिबा असीम धैर्य तांकर एवं हेला कोन 62 दिनर आंदोलन ठीक थिला ताले काहिं की एमिति हेला एठी किछि प्रश्न मध्य उठिबो तार मूल मंजी कोन से कथा को मध्य म आपन को जणैबी जेतेबेले यार संशोधन अणागला एग्रिकल्चर होउछि गोटे स्टेट सब्जेक्ट विभिन्न राज्य गुड़िक आकु विरोध करिबा आरंभ कले एवं संशोधन मध्य आणिबा आरंभ कले से पंजाब जोठु आंदोलन आरंभ हैला पंजाब सरकार जेतेबेले संशोधन आणिले सी तांकर राज्यपाल को जेतेबेले राष्ट्रपति को दबा पई ए बाबद रे लिखित भाव रे दिया गला संकल्पटी सेतेबेले राज्यपाल राष्ट्रपति को पाकु पठेले नाही काहिं की नंबर 1 नंबर 2 चाहिथिले सेतेबेले केन्द्र सरकार कृषि मंत्री बा खाद्य प्रक्रियाकरण मंत्री खाद्य जोगाण मंत्री जी रही सी मध्य पंजाब एवं हरियाणा जाकि कृषक मान सहित जब आलोचना करते कृषक नेता सहित आलोचना करते अंत पक्षे ए स्थिति आज उपजी न था करागला ना कहीं तृतीय आंदोलन चली आतंकवादी नक्सल खलिस्तानी पाकिस्तान पैसार आंदोलन करना पैसार आंदोलन करकार भाव में गणमाध्यम और सोशल मीडिया व्यापक भाव में ट्रोल करागला आपंतु मर्माहत करना तांको आत्मा को बाधिब ना जो माने फसल उत्पादन कले आम बंचुचु से आप खलिस्तानी कहिबे से आतंकवादी कहिबे से नक्सल समर्थक कहिबे भ्रुक्षेप करिबे नहीं आंदोलन को शुणिबे नहीं स्वर को चपेई देबा को चेष्टा करिबे जोर जबरदस्त बाड़े पिटिक दिल्ली में प्रवेश करने को देबे नहीं से करिबे कौन आते कौन या छाड़ीदेला कहीं गोटे अभावन स्थित दिल्ली में घटला से नहीं कि निर्दिष्ट प्रश्न रही ट्रैक्टर राली को प्रथमे परमिशन देले कहीं पुलिस कारण दिल्ली दिल्ली रो जो सरकार रही अधीन पुलिस ना केंद्र सरकार अधीन पुलिस रोचान और दिल्ली भली गोटे जगह जो राष्ट्रपति रोचान प्रधानमंत्री रोचान गृहमंत्री रोचान समस्त मानने एमपी मैंने रोचान दिल्लीर एमपी रोचान दिल्लीर विधायक मैंने रोचान एभली एक वीआईपी वीवीआईपी एरिया भितरक अंत पक्षे जेबी जनवरी 26 बा अगस्त 15 पालन हो कुआटीए उड़ीबा कष्टकर पड़े जो प्रकार सुरक्षा व्यवस्था थाए ताहले ए सुरक्षा व्यवस्था थिबा सत्वे काहिंके अनुमति दियागला जदि अनुमति आपण माने देले ताहले तांको श्रृंखलित भाव रे काहिंके आणिले नाही एवं प्रथम कथा होउचे एटी उठुची आईटीओ एवं लालकिला जो पर्यंत ट्रैक्टर रैलीटी पहुंचिला से ट्रैक्टर रैली पहुंचिबा बेले पुलिस करूथला कोन एवं जदि ट्रैक्टर राली रे किछ असामाजिक तत्व सामिल हेले बोली वर्तमान जना पड़ुछि चासिंग को आंदोलन ने किछ असामाजिक तत्व थिले बोली आपण माने अनुसंधान करके जानी पारिछंती विशेष करके केन्द्र सरकार जो एजेन्सी रही इंटेलिजेंस एजेन्सी रही आज पर्यंत कौन करुथले ट्रैक्टर राली रे जदि असामाजिक तत्व आसुथले ताहले सेमाने से बाबद रे सजाग हेले नाही काहेकि तांको अटकेबा को चेष्टा कले नाही काहेकि एवं लालकिला ऊपर को चढ़ीबा को सुजोग देले काहेकि देई सारला परे कहा जाऊची जे एते बड़ अघटन घटिला भारत पाई भारतीय गणतंत्र पाई कला दिवस बोली अर्थात सुजोग देला किए
ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ କଳା ଦିବସ ବା ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କହିକି ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ କଳା ଦାଗ ଲଗାଉଛି କିଏ? ଥରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ଯାହାଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, ଏଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯବାନମାନେ ଯେମିତି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ, ସେମିତି କିଷାନମାନେ ମଧ୍ୟ, ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ, କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରାଣ। କାହିଁକି ସେ କିଷାନକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ? ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆସିବା ପରେ ଯଦି ପଶି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ଥିଲା? ପୋଲିସର ଥିଲା। ପୋଲିସ କଲା କି? ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିମାଡ଼ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଲୁହବୁହ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ପୋଲିସ ସମାଧାନ କରିବା କଥା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଲିସ କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଇଗଲେ, ITO ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଇ ଆସିଲେ, କାଲି ବିଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଶି ଆସିବେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପୋଲିସ ଦେଇପାରିବ କି? ତ ଏଠି ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ହେଲା କି? ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି, କାହିଁକି ଚାଷୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଗତ 5 ବର୍ଷର ଏ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦେବାକୁ ଏଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। 5 ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2014 ରୁ 2018 ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟର ରେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପାଖାପାଖି 628 ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 2008 ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ହୋଇଛି, ତାଠୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି, ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆକ୍ରୋଶର ରୂପ ନେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଏଠି କହିବି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର କାରଣ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବେ ନା ନାହିଁ? ଏବଂ ସେତିକି ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହତବାକ୍ ହୋଇଯିବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ କେବଳ 2019 10,281 ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ରିପୋର୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର, ଯିଏକି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18, 2020 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, 62 ଦିନ କାଳ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକର ଏବଂ ପୋଲିସର ଜୁଲୁମ ସହିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯେଉଁ ନାଁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଉଛି, ଖଲିସ୍ତାନୀ, ଆତଙ୍କବାଦୀ, ନକ୍ସଲବାଦୀ, ତାହେଲେ ଆକ୍ରୋଶ ହେବ ନା ନାହିଁ? ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଆକ୍ରୋଶ ଆଉ ବନାମ ଅହଙ୍କାର, ଅହଙ୍କାର କାହାର? ଦୁଇଟି ଟୁଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟୁଇଟ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଘଟଣଟି ଘଟିଲା ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଏବଂ ଦ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜ, ତା'ର ରିପୋର୍ଟଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୀପ ସିଦ୍ଧୁ କିଏ ଏବଂ ଯାହା ଯିଏ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟି ଆସିଛି, ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଥରେ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଏ ରିପୋର୍ଟଟି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସିଏ କିଏ, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ, ଆଉ ଏ ଅଘଟଣ ପଛରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ, ଆଉ ସେ କାହାକୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, କିଏ ପତାକା ଧରିକି ଲାଲକିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଦୀପ ସିଦ୍ଧୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ କ୍ଷମା ମାଗି ସାରିଲାଣି ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ, ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବର ଅଛି, ପାଖାପାଖି 20 ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେଣି ଏବଂ 200 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଘଟଣର ରୂପ ଦେବା ପଛରେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଏ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ତ? କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ବାହାନାରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦବେଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଚାପିବା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ହେବ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଯଦି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ କରାଯାଇଥାଏ, ଦୀପ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଏକୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ କୌଣସି ବଡ଼ ହସ୍ତି ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅନ୍ନଦାତା,
जो माने वर्ष वर्ष धरी कष्ट सहउचंती एवं दुई मास रु अधिक काल खरा वर्षा शीत काकर एवं पुलिस जुलूम रे पड़ी रही चंती तांकर आंदोलन को जदि षडयंत्र आख्या दिया जीव तांकु जदि खलिस्तानी कह जीव तांकु जदि आतंकवादी कह जीव याकु आपण सहय करिवे कि तेणु परिशेष रे ए निष्कर्ष रे आमे पहुंचिबा जे भावंतु जे तांकर जो क्षोभ आक्रोश रे जेतेबेले रूपांतरित हेछि सेतेबेले सरकारंकर अहंकार प्रकटित हेछि एगार थर आलोचना करिबा परे मध्य निष्कर्ष रे पहुंचु नाहंती सुप्रीम कोर्ट कर सर्वोच्च अदालत का हस्तक्षेप परे मध्य नरमु नाहंती आउ शेषरे एही प्रकार अघटन टिए तयारी होबा परे से दोष मध्य से लदि देबाकु चेष्टा करुचंती चासी संगठन उपरे एवं समग्र चासी समाज उपरे याकु चासी समाज ग्रहण करुबा न करू भारत सभ्य समाज बा जो माने गणतंत्र रे विश्वास करंती गणतांत्रिक व्यवस्था को सम्मान दियंती से माने याकु ग्रहण करि परिबे कि चासी समाज प्रति एभली अपमान को सेमाने सह्य करि परिबे कि चासी आंदोलन को एभली भाबरे चपेई देबा को जदि चेष्टा करा जाए कोनोसी सभ्य समाज याकु एक्सेप्ट करिबो कि बा स्वीकार करिबो कि तेणु ए निष्कर्ष रे आमे पहुंचिबा अंतत पक्षे आक्रोश आउ अहंकार जो लड़े देखा देछि ताहा शीघ्र शेष हो चासी मानंकर आंदोलन प्रति सरकार संवेदनशील हुवंतु चासी को आतंकवादी खलिस्तानी नक्सल न कही अंतत पक्षे कृषि बिल रे जो त्रुटि रही संशोधन करंतु बा ताकु जो दाबीटी रही मौलिक दाबीटी रही अंतत पक्षे प्रत्याहार करिबा पई जो दाबीटी रखिछंती कृषक मानंक सहित कृषक संगठन सहित आलोचना करके से दाबीर हाल मध्य बाहर करंतु नहले आगामी समय रे एई भली अभावनीय स्थिति केवल गोटिए घटिला आहुरी एकाधिक जगार न हबो एवं चासी माने राजरास्ता को आहुरी न होलेबे समानकर आक्रोश रो रूप आहुरी विस्फोरण रूप न नबो ताकु मध्य कुहा जाई परिबो नाही एट चेस करबा आज पल्स टुडे को नमस्कार।